तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं चंदन ब्लॉग्स। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं। लाइफ से जुड़े बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉब के बारे में तो मैं डिस्कस करूंगा ही इस वीडियो में, लेकिन हमारी लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं। शायद वो आपकी लाइफ से यानी कि आपकी लाइफ से भी वो चीज़ें कवर करें, तो सुनिएगा जरूर, ठीक है। फ्रेंड, बताना चाहूँगा हम जैसे मिडिल क्लास लोअर क्लास के जो फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है कि वो जब टेंथ और ट्वेल्थ करते होते हैं तो उनको सबसे पहले तो हमारे ना गाइडेंस नहीं मिल पाती हमें मम्मी पापा से, क्योंकि हमारे मम्मी पापा इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। वो जितने एजुकेटेड होते हैं, वो जितना समझा सकते हैं आप लोगों को, आप उतना समझते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि टेंथ ट्वेल्थ में बहुत इन्जॉय करते हैं भाई, बहुत मजे लेते हैं, बंक मार रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, दोस्तों के साथ इन्जॉय कर रहे हैं ना। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और हम घर वालों से पैसे लेते हैं, यानी कि कहते हैं कि भाई ट्यूशन फीस लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ पैसे लगेंगे, वहाँ पैसे लगेंगे। घर वाले पैसे देते हैं और उन पैसों का हम थोड़ा कपड़ा खरीद लेते हैं, मतलब अपना थोड़ा शौकबाजी में, टसन टुसन में, लड़के साथ के ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा। हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। जब हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो हमारी टेंथ भी हम घिसपिट के पास कर लेते हैं और ट्वेल्थ भी हम घिसपिट के पास कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं, भाई हम कॉलेज लाइफ जीना चाहते हैं, हम सब बताते हैं कॉलेज लाइफ, भाई कॉलेज लाइफ में ऐसा होता है, वैसा होता है ना। तो अपन को क्या चलता है कि भाई अब हम क्या जो है कॉलेज लाइफ भी जियेंगे। तो हम जैसे तैसे कर करा के कैसे ना कैसे ट्वेल्थ के बेस पे जो हमारे मार्क्स आए हुए होते हैं उसी बेस पे हम एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम वहाँ पर भी मौज मस्ती करते हैं और जहाँ पे हमें मेहनत करनी चाहिए थी हम वहाँ मेहनत नहीं करते हैं, मौज मस्ती में हम वो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसमें हम अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें प्लेसमेंट नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्लेसमेंट नहीं मिलती, वही 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है, वो हमें करना नहीं, क्योंकि फिर हमारे शौक भी बड़े होते हैं, हम भी सोचते हैं, क्योंकि हमें आजकल रील्स में और दुनियादारी के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखा के रखते हैं, ठीक है, कि भाई करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिजनेस करना है, सेटअप करना है, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए की अर्निंग होंगी, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में जाते हैं तो फ्रेंड्स, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जितने रुपए का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जितने रुपए आपके पास लागत लगी है, सेम उतना अमाउंट तो होना ही चाहिए आपके पास और एक्स्ट्रा में अदर, जैसे कि 3 लाख रुपये का सेटअप स्टार्ट कर रहे हो और 1-1.5 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि रेंट है, कई बार काम चलेगा, अभी काम सेटअप है, स्टार्टअप है तो काम नहीं भी चलेगा शुरुआत में, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप बड़ा सेटअप करते हो तो एक बार जम जाएगा काम तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास 1.5 लाख रुपये है और 1.5 लाख रुपये आपने दुकान में लगा दिया, कोई सेटअप स्टार्ट कर लिया, आप मान लो रेंट देना उसका 20,000 रुपये रेंट है, तो कहाँ से दोगे, घर से कहाँ से दोगे, फैमिली से मांगोगे, तो वो चीज़ होगी नहीं, वो 2-4 महीने बाद बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भाई हमें नौकरी के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, देखते हैं इंग्लिश मांग रहे हैं, कॉल सेंटर में जाते हैं इंग्लिश मांग रहे हैं, कंप्यूटर के लिए जाते हैं, वहाँ पे स्किल्स मांग रहे होते हैं, टैली आता है आपको, एक्सेल आता है आपको, ऐसा तो हमें कुछ नहीं आता क्योंकि हमने भाई सीखे नहीं था, हमने मौज मस्ती में रहा था। हाँ, इंग्लिश आती है क्यों, क्योंकि हमने भाई कॉलेज में पढ़ा था, अच्छे दोस्तों के साथ रहे तो टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू देते हैं तो वो टूटी फूटी इंग्लिश का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता, तब हमें समझ में आता है कि चलो यार थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेते हैं, इंग्लिश करके जॉब कर लेंगे, इंग्लिश सीख लेते हैं, फिर जाते हैं तो भाई फ्लुएंट चाहिए, अब एकदम से फ्लुएंट से तो आएगी नहीं, मदर टंग इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत सारे हौचपच हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि यार क्या करें हम, क्या ना करें। फिर हम सोचते हैं चलो BPO में कर लेते हैं ज्वाइन, ठीक है कॉल सेंटर में ही काम कर लेते हैं। जब हम कॉल सेंटर में काम करने के लिए जाते हैं भाई, कॉल से इतनी सारी होती हैं, प्रेशर इतना सारा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि उससे पहले कभी हमने इतना प्रेशर झेला ही नहीं है, बंक मार के हम बाहर निकल जाते थे, घर वालों की इतनी सुननी नहीं होती थी, है ना, घर वाले समझा रहे बेटा पढ़ ले, हाँ मम्मी पढ़ रहे हैं, तो ये सारे सिनेरियो भी चलते थे। तो इस वजह से कुल मिला ये है कि अपना जो मजे लेने के चक्कर में जो है हमने अपनी आगे का फ्यूचर जो है एक टाइम को ख़राब कर लिया होता है। तो वो तो देखो मैंने ऐसा किया है, तो मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ, वो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने तो बहुत ही पैसे बर्बाद करे हैं घर वालों के लिटरली है, जो कि नहीं करना चाहिए था, उस टाइम समझदारी नहीं थी, ना कोई समझाने वाला था, जैसा मन में आया। देखो एक जब आप 10वीं 12वीं में होते ना, एक होता है मैच्योर बंदे, एक होता है अनमेच्योर बंदे, तो मैं मैच्योर नहीं था कि हाँ भाई घर वालों की
पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पापा कैसे काम करके ला रहे हैं, ये सब चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती थी उस टाइम, हालांकि अब आती है। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए नहीं आती कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, इसलिए आती है कि मुझे अब थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती हैं कि यार पापा इतना मेहनत करते हैं। मैं अपने पापा के बारे में भी बताऊँगा, मेरे पापा के बारे में भी हम वीडियो एक अलग से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप जब जॉब के लिए जाते हो है ना, नोएडा या फिर गुड़गांव कहीं जाते हो, तो यार आपको समझ में नहीं आता कि हम जॉब कौन सी लें। जॉब के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप सोचते हो यार BPO ज्वाइन करें तो कंपनी कौन सी करें, क्योंकि नोएडा में तो बहुत सारी है ना, और ऐसे कोई यूट्यूब पर ऐसी वीडियो भी नहीं है कि भाई चलो आपको बताया जाए समझाया जाए। आज तुम्हारा भाई है तुम्हें बताने के लिए कि क्या कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कहाँ पर ग्रोथ है कहाँ पर नहीं है ग्रोथ। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊँगा। डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी में 3-4 कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि आपको जो है फ्यूचर देगी। ठीक है, पहले हम डोमेस्टिक की बात करेंगे। डोमेस्टिक कंपनी फ्रेंड्स ऐसी है कि सबसे पहले आप चले जाओ आई एनर्जाइजर में, ये डोमेस्टिक कंपनी है, MNC है, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोसेस भी बहुत सारे हैं, जितना इंटरनेशनल प्रोसेस नहीं है उससे कहीं ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोसेस आई एनर्जाइजर के अंदर है। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो कि 12th बेसिस पर ले रहे हैं, कुछ प्रोसेस डोमेस्टिक में ही ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट होना मैंडेट है। तो आप आई एनर्जाइजर जाओ, गूगल पे सर्च कर लो, गूगल मैप में आई एनर्जाइजर नोएडा, वो आपको लोकेशन वहीं लेके जाएगी। रहने खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, वहीं पे PG अवेलेबल, 100 मीटर दूर होगा, मुश्किल से 200 मीटर हार्डली, वहीं पे PG आराम से रहो, बिल्कुल मार्केट एरिया है, कोई टेंशन नहीं है। आप कहीं से अगर बाहर से भी आ रहे हो तो आराम से रह सकते हो, खा पी सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, फुल मौज है वहाँ पर। ठीक है, अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो वो टेक महिंद्रा कंपनी है फ्रेंड्स, वो भी 62 में ही है, नोएडा के 62 सेक्टर में, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो जाके। MNC की बिल्डिंग अलग है लेकिन डोमेस्टिक की भी बिल्डिंग अलग है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस हैं टेक महिंद्रा में भी, क्रेड वगैरह हो गया, फ्लिपकार्ट मिंत्रा, ये सब बहुत सारे प्रोसेस हैं टेक महिंद्रा के पास भी और आई एनर्जाइजर के पास भी। तो आप टेक महिंद्रा में जाके ज्वाइन कर सकते हो, प्रेशर है लेकिन कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इनवॉइस प्रोसेस मिलेगा, ठीक है, इनबाउंड यानी कि वॉइस प्रोसेस मिलेगा, उसमें चैट प्रोसेस भी मिल जाएगा, बहुत सारी हायरिंग्स निकलती रहती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, चैट प्रोसेस जब भी निकलती है तो मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ, चाहे वॉइस प्रोसेस के लिए एक बार डिले हो जाए वीडियो, लेकिन चैट प्रोसेस के लिए जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं तुरंत बना देता हूँ। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। और अगर हम थर्ड कंपनी की बात करें तो वो है कोजेंट कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, कोजेंट कंपनी के लिए थर्ड पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यार कंपनी ना मतलब कंपनी नहीं है, मतलब ऐसा है पता नहीं क्या है, मैं गया हुआ हूँ इसी चैनल पे, मेरे व्लॉग्स हैं कोजेंट कंपनी में, मेरा आखिरी दिन करके है चैनल पे, चले जाओ, उसमें मेरे ख्याल 6,000-7,000 प्लस व्यूज हैं भी हैं, आप जाके देख सकते हो, इसी चैनल पे है वो वीडियो, जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स के साथ कवर किया है। कवर तो मैंने इस वीडियो में आई एनर्जाइजर को भी किया है और कोजेंट कंपनी को भी इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है। इस चैनल पे सेपरेट वीडियो पड़ी है, आज से यही होगा करीब 9-10 महीने पुराने की वीडियोज होंगी, वो जाके देख सकते हो आप, एनवायरनमेंट वगैरह सब चीज़ सही है। कोजेंट कंपनी की मुझे एक चीज़ खराब लगती है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पे हो, चाहे सेकंड फ्लोर पे, चाहे थर्ड फ्लोर पर, लेकिन जो उसका कैफेटेरिया वो 4th फ्लोर पे है फ्रेंड्स। आपको अगर भूख भी लग रही होगी ना और अगर आपके पैर में दर्द होगा तो आप लंच करने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ 4th फ्लोर समझ रहे हो, और भी लिफ्ट भी नहीं है वहाँ पे, स्टेयर्स पे चढ़ के जाओ, स्टेयर्स पे चढ़ के आओ, मतलब माथा खराब हो जाता है। और लोकर है, लोकर भी ऐसी बैग थोड़ा सा ना एक स्पेस वाली जो कंपनी होती है वो है नहीं, बिल्कुल हौच पौच है, पब्लिक इतनी सारी भर रखी है उसने। और दूसरी बात, कोजेंट में इतना रूल्स स्ट्रिक्ट है कि फ्रेंड्स आई एनर्जाइजर और टेक महिंद्रा को भी पीछे छोड़ गई। भाई साहब माइक्रो सॉक्स नहीं पहन सकते आप वहाँ पे, सॉक्स गार्ड को दिखना चाहिए, चाहे आपने सॉक्स क्यों नहीं पहना, बहुत सिनेरियो थोड़ा सा ऐसे ही है। तो मैं तो कोजेंट को तो प्रेफर करूंगा नहीं, हाँ कोजेंट को मैं एक तरह से प्रेफर कर सकता हूँ आप लोगों को, कि अगर आपके अंदर गर्ड्स हैं थोड़ी सी चीज़ें प्रेशर सहने की, ठीक है, और उसके बाद आप अगर एज अ फ्रेशर जाते हो कोजेंट कंपनी, आप में काम करने का टैलेंट है यानी कि आप काम को जल्दी से सीख गए, और TL सुपरवाइजर SME की अगर आपने हाथ बटाने लग गए, तो टेक महिंद्रा हो चाहे आई एनर्जाइजर कंपनी हो, ये दोनों कंपनियाँ इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं देती हैं जितनी की जल्दी कोजेंट कंपनी दे देती है। बिल्कुल, तो कोजेंट कंपनी में आप TL जल्दी बन सकते हो, बहुत जल्दी TL बन जाओगे आप वहाँ पे, एक साल के अंदर अंदर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो डोमेस्टिक प्रोसेस है
अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस में काम करना चाहते हैं तो कोजेंट कंपनी जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोच रखा है कि हाँ भाई मुझे बीपीओ के अंदर ही काम करना है, आप फ्रेंड कोजेंट कंपनी में जाओ, वहाँ अच्छे से काम करो और प्रमोशन पाओ और तुरंत छोड़ दो। एक साल तक आपको टीएल लेवल पर काम करना है, यानी कि एक साल आप यूजर लेवल पर काम करोगे, फिर आईजीपी आएगी, आईजीपी आने के बाद फिर आप उसे फिल करोगे, उस फिर टेस्ट होगा आपका। टेस्ट होने के बाद फ्रेंड आपको एक साल तक काम करना चाहिए एज अ टीएल लेवल पे, क्योंकि आप जब दूसरी जगह जाओगे तो वहां पे आपको एज अ टीएल लेवल पे काम, 6 महीने भी आपने काम कर लिया और आपको काम आ गया ना टीएल का, तो वो इनफ है। दूसरी कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, अच्छी खासी हाइप मिलेगी, बहुत सब चीज सेट हो जाएगा। तो ये थी 3 कंपनियां फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और भी कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए भाई से कॉन्टेक्ट करो। मिलते हैं फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर फ्रेंड, ध्यान रखो आप सभी।